यहाँ जो है हम एक्सपीरियंस नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एक्सपीरियंस नंबर 3 जो है वो बेसिकली स्टूडेंट पहले कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड बाय द प्रेयर्स ऑफ माय पेरेंट्स फैमिली एंड, यानी कि जो उन्होंने बोला है कि यानी कि उनका जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा निकल गया। फिर उसके बाद उन्होंने MCQ शेयर किए कि जो MCQ आए थे वो किस टाइप्स के आए थे, तो उसी को डिस्कस करना शुरू करते हैं। वो कह रहे हैं कि वर्बल जो था वो 100% रिपीटेड थे और बहुत ज़्यादा ईजी थे, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जो उन्होंने प्रैक्टिस करी थी वो कहाँ से प्रैक्टिस करी थी, तो उसकी मैं डिस्कशन में लिंक अवेलेबल कर दूंगा, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। जो PDF फॉर्म है वो पूरा कवर अप हो जाएगा उसके अंदर कि किस टाइप के MCQs थे, तो वो आपको दिख जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो वर्बल की अगर वो बात कर रहे हैं, वर्बल 100% रिपीटेड थे। फिर नॉन वर्बल एकदम हलवा थे, बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन और चाहिए थी, क्लियर हो जाएगा। इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से उसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो अप्लाई हो रहा होता है, तो आप वो इजीली कर लेंगे। अकेडमिक्स भी सब रिपीटेड थे, 10 मिनट में सॉल्व हो गए थे सारे। तो फर्स्ट जो है वो MCQs अगर वो देखें तो लिखा हुआ आ रहा है, पाकिस्तान ने OIC को कब ज्वाइन किया, जो पाकिस्तान थे उसने OIC को कब ज्वाइन किया था, तो उन्होंने आगे मेंशन कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान जंग में काफ़ी तादाद में हाफिज़ कुरान साहब करम शहीद हुए थे, इसके कन्फर्मेशन कर लेना, यानी कि कौन सी जो जंग थी जिसमें हाफिज़ कुरान सबसे ज़्यादा शहीद हुए थे, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कह रहा है पाकिस्तान नेशनल जूस, पाकिस्तान का जो नेशनल जूस है वो कौन सा है, तो शुगर कैन जूस। हु इंट्रोड्यूस प्रेजेंडल इन त्रा का, इसका आपको आंसर देख लीजिएगा। सिनोनियम ऑफ वाइल्ड, इसका क्या होता है, पहली सूरत की कितनी आयात हैं, तो वो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, सैफुल्ला इज़ द टाइटल ऑफ, ये कन्फर्मेशन कर लेना, भूल गया हूँ कि सैफुल्ला किसका टाइटल था। तो अब देखिए अगर ये वाला MCQ देखें 90% of 90, तो हर टेस्ट में ही ये MCQ रिपीट हो रहा है, तो बेसिकली परसेंटेज वाले सवाल है, मे बी वो वहाँ 80% दे दें, 30% दे दें, यानी कि एक परसेंटेज वाला सवाल है, तो आपको थोड़ा बहुत परसेंटेज कैलकुलेट आनी चाहिए, तो आप इजीली वो कैलकुलेट कर लेंगे, वो थोड़ी चेंज भी हो जाएगा, तो इसका इशू नहीं है। बेसिकली जो हमारा मकसद ही है वो यही है कि किस टाइप के MCQs आते हैं, ताकि उसको हम देख के चले आएँ, तो हमारा जो MCQs वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए, वर्बल नॉन वर्बल और फिर अकेडमिक्स जो आते हैं वो आपके बेसिकली जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा होता है उसमें से आ रहे होते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, बस ये कि आपको पता होना चाहिए। जो वर्बल नॉन वर्बल है, क्योंकि कभी पढ़े ही नहीं होते, तो इसमें थोड़ा सा मसला होता है कि क्या आएगा, कुछ कैसा आएगा, तो उसी के बिहाफ पे वीडियोज़ हैं, ताकि पता चल जाएगा भाई किस टाइप के MCQs आते हैं, वर्बल नॉन वर्बल, तो वो आप करके निकल जाएंगे, तो बहुत अच्छा होएगा। वाई पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू स्कूल, ये वाला MCQ देखें, दोबारा आया हुआ है। वाई वी बॉयल मिल्क, तो टू किलर जम्प्स, तो ये वाला MCQ दोबारा आया हुआ है। 1/3% of 120, 1/3 कितना होता है, 120 का, तो ये आप देख लीजिएगा कितना होता है। ये बेसिकली मैथ वाले MCQs हैं थोड़ा सा। और एक और चीज़ ये कि वहाँ पे जो आपको पेन और पेंसिल होती है, इस तरह की चीज़ें या पेपर आपको अलाउ नहीं होगा, तो आपको जो मैथ वाले MCQs हैं ये आपको दिमाग में ही करना है, चाहे वो थोड़ा बड़ा हो चाहे वो थोड़ा छोटा हो, तो ये सब आपको दिमाग में ही करना है। तो बेहतर ये कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको जो है पेन कॉपी यूज़ ना करें, बेहतर है दिमाग में उस सवाल को कोशिश करें सॉल्व करने की, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो बड़ी चाहे वो डिवीजन हो, तो इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहाँ आपको एक तो आपको पता है टाइम थोड़ा कम होता है, 30 मिनट्स अवेलेबल होते हैं ओनली, तो इसकी वजह से बहुत जल्दी आपको MCQs करने होते हैं, और अगर आप फिर दिमाग में ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आपके MCQs रह जाते हैं। तो बेहतर ये कि जो आपको MCQs नहीं आता तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि फिर साइड में एक कॉलम होता है, वहाँ इस तरह का कॉलम एक बना हुआ कॉर्नर पे, वहाँ सारे MCQs आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से रहेंगे, तो आप उस पर क्लिक करते रहेंगे तो वो बाद में आते रहेंगे। बेहतर ये जो आते हैं आप उसको सही करें, जो नहीं आ रहे उसको स्किप कर दें, या तो तुक्का मार दें, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तुक्का मारेंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि मैंने लास्ट में जो MCQs जिसमें मुझे आंसर नहीं पता था वो कौन सा था, तो अगर आपका लेट सपोज 5-6 मिनट पहले हो जाए तो आपको पता ही नहीं होगा मैंने जो MCQs में तुक्के मारे वो कौन से हैं,
तो इस वजह से बेहतर है कि आप उसको स्किप कर दें, ताकि आपको दिख रहे हो तो फिर उनको फ़ौरन जल्दी जल्दी करके उनकी तरफ जाएं और कोशिश करेंगे अगर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथ्स का एमसीक्यूज है या थोड़ा सा उसको सोचना पड़ेगा कि क्या इसमें लॉजिक अप्लाई हो रही है, तो उनको आप बेहतर अंदाज से कर सकेंगे। एल सी ए के आप तुक्का मार के आगे निकल जाएंगे, आप चाहे 10 मिनट भी रहेगा लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि मैंने किस एम सी क्यूज में तुक्का मारा है, फिर आप एक एक करके बैग आएंगे तो इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, मिलेगा नहीं आपको। तो नेक्स्ट एम सी क्यूज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस की तरफ। 10 MCQs होगा एक्सपीरियंस के, यहाँ अगर आप देखें तो वो कह रहा है 1.3% ऑफ 90, 1/3 कितना होता है 90 का। और फिर एक है जो ये वर्बल में आते ही वाले एम सी क्यूज दोनों, ये आपका मैथ्स का एम सी क्यूज टाइप है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 2/3 आर बॉयज, हाउ मैनी आर गर्ल्स इन देयर। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे दिमाग में, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जो सॉल्व करना है वो दिमाग में ही करना है, तो आपके पास टाइम इतना होगा नहीं कि आप पेन कॉपी तो वहाँ अवेलेबल होगी नहीं, तो बेहतर है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएँ। 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और जो जो इनकी जो परसेंटेज है वो कितनी होगी तो ये आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर लेट्स सपोज आज कोई मंथ स्टार्ट हो रहा है और उसका आज जो पहली तारीख है और दिन जुम्मा पड़ रहा है, तो 13वें दिन जो होगा वो कौन सा दिन पड़ रहा होगा वो आपको यहाँ बताना है। फिर वो अपने बारे में बता रहा है, अभी ये सब याद है, बाकी सब भाइयों को एडवाइस है कि सिर्फ एक्सपीरियंस को अच्छी तरह याद करके जाए, इंशाल्लाह 80% पास हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैनेज कर रहे हैं। वो भी बिल्कुल यही बात कह रहे हैं कि टाइम जो है वो इतना अवेलेबल होता नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें, तो बेहतर ये है कि एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करें। और मेरे आगे वाले टेस्ट के लिए सब भाई दुआ करना। वालेकुम सलाम, थैंक यू भाई जान, आपके ग्रुप्स के जो इसमें जितने भी ग्रुप में एमसीक्यूज अवेलेबल हैं वो मैं सब वीडियोस की फॉर्म में आपको डिस्कशन में लिंक बना के दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, तो उससे आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी कि किस टाइप के एमसीक्यूज उसमें, क्योंकि डिटेल एमसीक्यूज होंगे अराउंड 500-600, तो आप बेहतरीन अंदाज से कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नंबर 3 ख़त्म होता है, नेक्स्ट एक्सपीरियंस की डिस्कशन में लिंक अवेलेबल होगी, हर चीज़ की डिस्कशन में लिंक अवेलेबल होगी, तो आप वो देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी।